छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने को लेकर कांग्रेस ने चौथे दिन भी रायपुर में प्रदर्शन किया। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में कई विधायक शामिल हुए और केंद्र से छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने की मांग की। प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। रायपुर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। विधायक से लेकर के संगठन के तमाम पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर कुलदीप जुनेजा जो कि उत्तर के विधायक है वो खुद धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर आप बैठे हुए हैं? पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना है और इस धरने को लेकर हम सब 13 तारीख को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली भी कूच करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का दोहरा चरित्र है, हमेशा बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। आज प्रदेश में खुशहाली है लेकिन केंद्र से लेकर राज्य में भारतीय लेकिन उनका सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? निश्चित तौर पर किसानों का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आप देखिएगा 13 तारीख को किसानों की क्या संख्या होने वाली, कितनी कितनी संख्या हो रही है, आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? अभी संख्या बताना उचित नहीं है, 13 तारीख को इस बात में। चलिए, ये प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन के बाद दिल्ली जाना है। चर्चा ये है कि इसी बीच में अयोध्या का फैसला भी आ सकता है, उस स्थिति में क्या हो? देखिए, हमको अयोध्या के फैसले से कोई सरोकार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को लेकर केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी दमनात्मक जो रवैया है उसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ से दिल्ली भारत के प्रधानमंत्री जी को किसानों और व्यापारियों और उद्योगपतियों और यहाँ की आम जनता द्वारा लिखित मांग है जो कि वो केंद्रीय सेंट्रल पूल का जो चावल है वो ले और प्रदेश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना करे। 13 तारीख को देखना होगा क्योंकि ये सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल भी है और 13 तारीख को जब यहाँ से रवाना होंगे